हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज क्लास। और आप सब कैसे हैं? और आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में इन शॉर्ट हम बनाना सीखेंगे सिंपल टाइप के मोर, क्योंकि मोर तो मेहंदी का बेस है। लाइक अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनानी है तो आपको मोर बनाना आना चाहिए। तो मोर बनाने के लिए सबसे पहले वो आपको एस वाली डिज़ाइन जो कैरी के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन थोड़ी डीप में, क्योंकि आपको एक मोर का फेस भी बनाना है। तो मोर का जो फेस बनाने के लिए आपको थोड़ा डीप में एस वाली डिज़ाइन देनी है। और जहाँ आप जलेबी वाली डिज़ाइन जैसे बना रहे थे, उसको बीच के सेंटर के फिलिंग ना करके एक पूरा राउंड शेप दे के फेस का शेप बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मोर बना रही हूँ वो भी सेम ही है, बस उसमें थोड़ा मैं पीछे बैकवर्ड की तरफ जो एस शेप है उसको लेके जा रही हूँ, और फिर उसमें फेस अटैच करके, जो राउंड ओवल फेस है वो अटैच करके मैं बना रही हूँ। अब हम सेम वही मोर वाली डिज़ाइन जो नीचे बनाई है उसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, हर डायरेक्शन में आपको कैरी, मोर, ये सब बनाना आना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मैं आपको एक ही साइज़ का बता रही हूँ आप, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में प्रैक्टिस करेंगे। और मोर बनाने के लिए आप पहले ही ऐसा ना हो जाए कि नहीं मेरे से नहीं बन रहा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ी सी प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन हो जाती है। तो इसमें आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। और जैसे आप जो मोर की चोंच है, जो बीक है, वो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। या तो उसको आप बाहर की तरफ नॉर्मल बना सकते हैं, या मोर का जो अंदर का पार्ट है उसके अंदर थोड़ी इंसर्ट करके भी बना सकते हैं, जो कि आजकल की लेटेस्ट डिज़ाइन में बहुत देखने को मिलती है। और नहीं तो आप नॉर्मल मोर की बीक बना के उसको आगे से कर्व भी कर सकते हैं। और याद रखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने हर बार बताया, आउटलाइन मोटी दें। और आईज़ भी आप डिफरेंट शेप की बना सकते हैं, जैसे कि या तो आप सिर्फ राउंड आईज़ भी बना सकते हैं, कर्व आईज़ भी बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आईज़ बना सकते हैं, जैसी आपको रिक्वायरमेंट हो। अब हम सीखेंगे दो मोर को एक में मर्ज करके बनाना। तो इसके लिए आपको एक कंस्टिट्यूएंट पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा रहेगा, ये इतना बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोर का शेप दे दें और एक को छोटा दे दें, तो इससे क्या, एक डिफॉर्म शेप बन जाएगी, अजीब लगेगा वो। तो इसके लिए आपको ऐसा पता होना चाहिए कि आपके डिज़ाइन में क्या रिक्वायर है, उस हिसाब से उसी शेप का बनाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप मर्ज करके मोर बना रहे हैं तो याद रखिए कि एक पर्टिकुलर, जैसे आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहे और एक पर्टिकुलर हाइट के बाद से ही सेकंड वाला मोर बनाना चालू करें। एक मोर हाफ रहेगा, एक मोर फुल रहेगा, या तो आप दोनों ही हाफ नहीं कर सकते, या आप दोनों फुल नहीं बना सकते हैं, डिज़ाइन ख़राब लगेगी। और ये मैं एक्स्ट्रा कलाकारी आपको करके दिखा रही हूँ कि जितनी मैंने डिज़ाइन प्रीवियस सिखाई है वो कैसे आप डिज़ाइंस बनाने में, या फिर मेहंदी डिज़ाइन जो पूरी प्रॉपर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मोर की आईज़ आप कैसी भी बना सकते हैं, कर्वी भी बना सकते हैं, राउंड भी बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मोर की जो बीक है, जिसे हम चोंच बोलते हैं, आप उसको चाहे तो क्या कहते हैं, मोर की बॉडी से बाहर भी छोड़ सकते हैं, या मोर की बॉडी के अंदर इंसर्ट करके भी बना सकते हैं, ये भी आपकी मर्ज़ी है, या डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइप का मोर बनाना। इस मोर की एक अलग ही कैरेक्टरिस्टिक है, यूँ कह सकते हैं, इसकी जो लोअर बॉडी है वो स्नेक की तरह रहेगी, बोले तो सांप की तरह, और जो मिडिल बॉडी है उसमें पंख रहेंगे चिड़िया की तरह। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, हम वो लीफ शेप के डिज़ाइन देंगे मिडल में, और फिर उसको चारों तरफ से उसी सर्कुलर वे में कवर कर देंगे। याद रखिए कि आप पहले लीफ की डिज़ाइन दें, क्योंकि वो हम इजीली राउंड बना सकते हैं, और फिर ही उसको बाहर के आउटर साइड से कवर करें। और ऐसे करके आप इसे एक ऐसा सा पीकॉक बना सकते हैं जिसकी लोअर बॉडी स्नेक की तरह है और मिडल पोर्शन बर्ड की तरह है।
वैसे ही दोनों साइड से बनाएं। हमेशा याद रखें, हर डिज़ाइन बोथ साइड से ट्राई करें, क्योंकि फिनिशिंग मेन जो होती है ना, इसी बात पर डिपेंड करती है कि आपको हर तरीके की डिज़ाइन हर तरह से बनाने आती है या नहीं। देखिए, मेरा अगला वाला मोर थोड़ा खाते पीते से खानदान का बन गया है सेंटर में से। तो ऐसे ऐसे आप भी अलग अलग शेप के ट्राई करते रहें। अगला वाला खाते पीते खानदान का बनाना ज़रूरी भी था, क्योंकि उसकी जो गर्दन है थोड़ी ज़्यादा अंदर की तरफ है। अब जो नेक्स्ट मोर बनाएंगे वो भी वही है, सेम चिड़िया वाला मोर, लेकिन इसमें जो हमने लीफ की शेप है उसे थोड़ा कर्व कर दिया है, और जो मोर की गर्दन है, जो नेक पोर्शन है, उसे देखिए ऊपर वाले डिज़ाइन में बाहर की तरफ थी, इसमें हमने अंदर की तरफ उसे घुमा दिया है। देखिए, मेहंदी की डिज़ाइन यहाँ हमारी मर्जी चलती है। अब वही सेम डिज़ाइन मोर की हम अपोजिट डायरेक्शन से बना देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।